और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में मंदिर मार्ग थाने पर टीएमसी का प्रदर्शन देखा जा रहा है। टीएमसी नेताओं से मिलने के लिए सौरभ भारद्वाज पहुंचे हैं। बंगाल में ईडी सीबीआई एनआईए की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। बता दें कि चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए ये नेता पहुंचे थे। ईडी दफ्तर के बाहर से पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। टीएमसी नेताओं ने मंदिर मार्ग थाने में धरना प्रदर्शन देना इसके बाद में चालू कर दिया। पुलिस ने नेताओं से थाना खाली करने के लिए कहा है क्योंकि वहीं पर धरना दिया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज टीएमसी नेताओं से मिलने के लिए मंदिर मार्ग पहुंचे हैं। सौरभ ने कहा कि देश में आम चुनाव घोषित हो रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है और सारी जांच एजेंसीज और सरकारी तंत्र चुनाव आयोग के अधीन आने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बंगाल में और देश के अन्य भागों में रोज विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर कभी ईडी एनआईए आईटी के छापे डाले जा रहे हैं, इससे साफ है कि केंद्र सरकार चाहती है कि विपक्षी पार्टियों को इस चुनाव में बिल्कुल चुप कर दिया जाए। यह पूरी तरीके से तानाशाही है। हम टीएमसी के साथ खड़े हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में मौजूद हैं। मंदिर मार्ग थाने के अंदर आके आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से टीएमसी के जो नेता हैं, टीएमसी के नेता यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। डेरेक ओब्रायन यहाँ पर हैं, डोला सेन यहाँ पर हैं और टीएमसी के अन्य नेता यहाँ पर मंदिर मार्ग थाने में मौजूद हैं। मौके की स्थिति यह है कि टीएमसी का ये जो पूरा डेलीगेशन है, ये मांग ये कर रहा है कि चुनाव से पहले, अगर चुनाव आयोग चाहता है कि भारत में न्यूट्रल चुनाव हो, तो सीबीआई के चीफ, ईडी के चीफ और एनआईए के चीफ को हटाया जाए। और इसी मांग को लेने के बाद अब यहाँ पर दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में बैठा हुआ यहाँ पर टीएमसी का डेलीगेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी ये स्थिति है लगातार कि आम चुनावों से पहले लगातार राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बन रहे हैं और लगातार आरोपों का दौर लगातार जारी है। तो इसी आरोप प्रत्यारोप के दौर में लगातार ये जो टीएमसी का पूरा डेलीगेशन है, ये दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने के में इस तरह से बैठा हुआ है और लगातार एक ही मांग कर रहा है कि न्यूट्रल चुनाव के लिए भारत में ईडी के चीफ, सीबीआई के चीफ और एनआईए के चीफ को हटाया जाए। शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। दरवाजा बंद है, दरवाजे पे लॉक किया हुआ है, पुलिस के लोग पूरा का पूरा पहरा दे रहे हैं और कह रहे हैं इनको छोड़ दिया है। कहाँ से छोड़ दिया है? ये खुद आए हैं यहाँ पे, इनको पुलिस यहाँ पे लेके आई है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस क्या बेवकूफ समझती है सारे हिंदुस्तान को? तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव का माहौल है और रोज ईडी किसी विपक्षी दल के नेता के घर जा रही है, कभी सीबीआई छापे मार रही है, कभी इनकम टैक्स छापे मार रही है, कभी एनआईए जा रही है, और सिर्फ विपक्षी दलों के यहाँ छापे मारे जाएंगे? साफ है, विपक्षी दलों को डराना, धमकाना, चुप कराना, यही इन एजेंसियों का मकसद है और ये चाहते हैं कि चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़े, बाकी कोई लड़े ही नहीं, तो इसीलिए ये जीत जाए। टेंट लगाया, माइक लगाया, डीसीपी साहब नहीं बता रहे कि मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, कह रहे हैं एक मंत्री को कि आरटीआई लगाइए और पता कीजिए, इसका मतलब कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। हमें बोल रहे राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से जीत कर रहे हैं, क्या बेसिस बताया जा रहा है सौरभ आपको अंदर जाने से रोकने के लिए, आधार के बताया जा रहा है? सांसद को इस तरह से चीट कर रहे हैं, अब लग रहा है कि कुछ बातचीत बन रही है सर, उनको दिल्ली पुलिस के कुछ जवान साथ में ले जा रहे हैं। ये सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं धरना प्रदर्शन की, जहां पर सौरभ भारद्वाज तो मौजूद ही थे और टीएमसी के तमाम नेता इस वक्त मंदिर मार्ग थाने में ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी नेताओं से अपील की जा रही है कि थाने से चले जाएं, प्रदर्शन ना दें। वहीं डीसीपी देवेश नेहला का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। कल अनपरमिटेड प्रोटेस्ट था जो रोड ब्लॉक की थी, उसके लिए डिटेन किया गया था
और मंदिर मार्ग थाने में उनको ले जाके फ्री कर दिया गया था। इवनिंग में सनसेट से पहले ही बता दिया गया था कि वो फ्री हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा से वहाँ बैठे हुए हैं। वो थाने के बाहर भी गए, रात को गए हैं बाहर, अपना खाना पीना नहा धोना करके फिर वापस पुलिस स्टेशन में आए।